मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 दिसंबर को एक अजीब सिचुएशन आ गई। एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की मुंबई से अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट पूरी तरह से रेडी थी। इस फ्लाइट में जाने वाले सभी पैसेंजर्स ने अपना सामान कार्गो कंपार्टमेंट में रखवा दिया था। इस दौरान प्लेन के अंदर सामान रख रहे लोडर को अचानक नींद आ जाती है। वो कार्गो कंपार्टमेंट में ही सो गया। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया और इसका गेट बंद कर दिया गया। फिर फ्लाइट मुंबई से टेकऑफ करते हुए अबू धाबी लैंड कर गई। जब मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट ने टेकऑफ किया तो उसकी नींद खुली और वह फिर वहीं बैठा रहा, क्योंकि अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। टेकऑफ के बाद जब इंडिगो के एम्प्लॉय अपने वर्कर्स की काउंटिंग कर रहे थे, तभी काउंटिंग में एक वर्कर कम पाया गया। तमाम कोशिश के बाद भी इंडिगो को पता नहीं चला कि लापता शख्स कहां है। इंडिगो के ऑफिसर्स ने इसकी जानकारी अबू धाबी एयरपोर्ट को दी। अबू धाबी एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने पूरे प्लेन की जांच की तो पता चला कि लापता शख्स कार्गो कंपार्टमेंट में प्लेन के अंदर ही बैठा है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फ्लाइट में वो गलती से सो चुका था। फिर अबू धाबी में ऑफिसर्स ने उसे उसी फ्लाइट से एक पैसेंजर के तौर पर मुंबई वापस भेज दिया।